और निगाहें हैं और नहीं माया, ये तो पटा था कि जब तक अरे रसनपुर थाने में अरे पैसे की बात यार तेज नहीं बोली जाती है, बैठे बैठ के बातचीत कर। बात है तो पांच की रकम दूनी कर दीजिएगा 10 लाख, और इस केस में जिसको बताइए उसको साले को अंदर करूंगा। लेकिन ये रहा 5 लाख रुपया, अब काम हो जाने के बाद 5 लाख आपके अकाउंट में। बताइए किसको इसमें अंदर करना है, बैठो बताते हैं। चौखैया चौकीदार, अबे साले जबान निकली तो हलक में हाथ डालकर साले जबान खींच लेंगे। मैंने बोल दिया ये बात किसी के कानों में नहीं जानी चाहिए कि एसपी योधेश प्रताप ने आज घूस ली है 5 नहीं बल्कि 10 लाख। ठीक साहब, कोई कानन में आवाज नहीं पहुंची, यह बात सीधे नेट पर डरवा दी। अबे पर डलवा देगा साले, तब तो साले हर इंसान जान जाएगा, साले मेरी वर्दी उतर जाएगी। कोई को पता ही नहीं करेगा साहब, हम मैं कह रहा हूँ साले इतना मारूंगा, ये बात किसी के कानों में मत जाने कि मैं 10 लाख रुपए घूस ले लिया। अभी बातचीत कर साहब, आगे तुम्हारे जिगरी दोस्त बचपन के परम मित्र समझ लो, खाना पकाना या कम हो रहा है बचपन, हाँ जिनका नाम है शरीफ, कहते हैं हमको हिंसा चाहिए, इसमें चर्चा है। हाँ बात अरे थाने में कोई कर्मचारी है, तुम बड़ा चुदुर बुदुर कर रहे हो, बैठो। मेरी माँ का खून हो गया है। तुम्हारी माँ का खून हो गया है? हाँ, किसने खून किया है? सर, जसवंत नगर के
जमींदार जमींदार भवानी सिंह और भानु प्रताप आवे अबे साले पागल हो रहे हो यही ये कब से हमारे पास के लिए बैठे हैं और साले बता रहे हो यानी कि साले खून तू करके आया है और ऐ शरीफ आदमी नहीं सर भानु प्रताप भवानी सिंह इस इलाके के शरीफ आदमी है और तू साले उन पे झूठा इल्जाम लगा नहीं मेरी बाबा खून किया है सर हेलो चौकैया चौकीदार पहले लाश उठाइए और इसका पोस्टमार्टम के लिए भेजिए सर सर मेरा इंसाफ हो सर मेरा इंसाफ हो सर तुम्हारा इंसाफ हो गया अरे देश प्रताप के होते हुए तुम्हारा इंसाफ नहीं होगा तेरा इंसाफ हो गया सर 302 का मुलजिम 302 का मुलजिम तुझे तो साले उम्र भर सजा कटवाऊंगा नहीं सर मैंने खून नहीं किया है सर खून नहीं किया है खून नहीं किया एसपी साहब कहिए दोस्त एसपी साहब आगे की बात मैं बताता हूँ क्या बात है इस केस में क्या बात है साहब तुम भी कुछ इसमें राज जानते हो ये लड़का जो है एक माया नाम की लड़की से मोहब्बत करता है और इसकी माँ को ना अच्छा लगा तो इसने उस लड़की की मोहब्बत में पड़कर अपनी माँ का भी साला कोई पापी हो अरे दोस्त चोट तो नहीं लगी भाई साहब आप लोग चलिए मैं इसको देखता हूँ मेरी माँ की कातिल मेरे माँ के कातिल अरे तू चिल्ला मत मैं जानता हूँ तू कौन कातिल है अगर तुम्हारा मन न भरा हो मारने के लिए फिर बुला लूंगा थाने को और फिर आना इस करनों पे सारे पे भरास निकाल लेना करण अरे कहिए तेरी ऐसी क्या मजबूरी हुई रे जो अपनी माँ का खून कर दिया रे और जो माँ का खून करता है वो संसार में साले मुंह दिखाने के काबिल नहीं होता एसपी तुम्हारे जुबान से गंदे शब्द मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं जानता हूं कि हर थाने में तेरे जैसे एसपी ऐसे साहब आ जाए तो पूरा हिंदुस्तान ही डाकू बन जाएगा अबे साले डाकू बन कैसे जाएगा मैं हूं ना तेरे ऐसे घूसखोर
एसपी, ज्यादा पैसा मिलेगा मैं तरकीब बताता हूँ। अपनी बहन का सौदा करने किसी कोठे में बिठा दे। अगर साले माँ बहन का नाम लिया साले, हाथ डालूंगा साले तेरी जबान खींच लूंगा और साले खून करके आप तुमको बताता हूँ, सुन ले मेरी बात। और जग में तुझ जाए और सा दुनिया में कातिली, तेरा तो साले मुंह देखने के लायक नहीं है और तू सारे बात करता है। लेकिन सर मेरी बात तो सुनो। मेरी बात सुनने लायक नहीं है तो क्या सुनूं रे? मैंने खुद नहीं किया है, बेबाजू की बात नहीं सुनता हूँ। ये मैंने वर्दी पाई है रे, बहुत पैसा लगा और तेरी सारे भाई फालतू की बात सुनो। खून भैया तो मैंने किया है। खून नहीं किया रे, और खून मैया का अपनी किया बे। तूने अपनी मैया का खून किया और ये हमको समझा रहा है? नहीं, मैंने खून नहीं किया है, मुझे माफ कर दो सर। मैं माफ कर दूं? ला रे अवधराम त्रिपाठी चौखैया चौकीदार, कहां मर गया साले? इस साले बेशरम को हमारी नजर से हटाओ, इसके हथकड़ी लगाओ और जल्दी इसको जेल पहुंचाओ। सर मर जाऊंगा साले मेरे पास, तू साले मर जाएगा मेरे पास से क्या जाएगा? बहुत से आते हैं मर जाते हैं, मेरे से क्या जाता है? गलत करोगे साले मर जाओगे। भगवान या भगवान, क्या मेरी नसीब में लिखा है, क्या मेरी तकदीर में लिख दिया है? तकदीर बनाने वालों ने है, तकदीर बनाने वालों ने कैसी
चौकीदार, अरे देख रहे हो साला बेफालतू के आसपास झूठे मूठे अपनी मैया को साला मार के आया। तुम लोग तो जानते हो भैया, तुम लोग जानते हो कितना साला हराम खोर आदमी जो अपनी महतारी को मार के आए वो साला अच्छा होता है, और झूठे मूठे साला यहाँ थाने में आंसू बहा रहा था। साहब साहब इसको साले को देखेंगे, तुम लोग बताना। बांधी अंगना और भैंसा दुआरे, और भैंसी बांधी अंगना भैंसा दुआरे। ये रहे सेक्टर अवधेश सिंह, ये रहे थाने की बात। आप देखिए दोस्तों, कल्लू आंखी खोलो, तुम पर ही नजर हमारी है। जनता हम कत्ता लनगर मूर्ति दी हन। अब देखिए इसी जसवंत नगर के बासिंदा रिटायर फौजी जिनका नाम है दुर्जन सिंह, रिटायर फौजी दुर्जन सिंह पेश होते हैं, और एक रिटायर फौजी के बेटा है जिसका नाम है अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह और दुर्जन सिंह देखो परिवार में अपने दो लोग हैं, अपने बच्चे से क्या बातचीत करते हैं। हाँ दोस्तों, हमारा नाम आप लोग सुने, हमारा नाम दुर्जन सिंह है, ठाकुर दुर्जन सिंह, और मैं यशवंत नगर का रहने वाला हूं। और हम रिटायर फौजी हैं, इसीलिए अब खेती किसानी और यही काम करते हैं। हमारे परिवार में बस दो लोग हैं, हमारा बेटा अर्जुन सिंह और हम। आज नौकर हमारा बेटा अर्जुन सिंह, मैं कब से रास्ता देख रहा हूं और हमारा बेटा अर्जुन सिंह नहीं आया है। ठीक है, मैं देखता हूं आता ही होगा, क्योंकि बिना मिले हमसे वो जा नहीं सकता है। हम दोनों में इतना मेल रहता है। पिताजी और पिता चरणी लो लो और चुको
देखिए कहिए बेटा, जब तक आपसे मुलाकात नहीं होती है तब तक मैं कॉलेज को नहीं जाता। और हम तो यही जानते हैं क्योंकि मेरा बेटा बिना मुझसे मिले वो जा नहीं सकता है। बापू देखिए, और योग योग बेटा तुम जियो और रहो सदा खुश। कामना करेंगे आप आराम से खुशहाल रहो। क्यों नहीं बापू, आपकी दुआएं हमेशा हमारे साथ हैं। ये तो आपके लिए मैं दुआ करता ही हूँ बापू। और ये नहीं पूछोगे कि तुम्हारा बेटा पढ़ाई कितनी किया है? अरे ये बात बताओ और हम जाने। बापू आज आपके सामने अपनी पढ़ाई का जिक्र करता हूँ। और पढ़ाई किया जितनी इच्छा थी बापू, सोचता हूँ कि बहुत ही जल्द एमए पास करूँ ताकि आपका नाम रोशन हो। लोग यही कहें कि अर्जुन सिंह एक फौजी का बेटा है। बस ये तो बात सच है क्योंकि हमारा नाम जब पढ़ो लिखोगे तो रोशन करोगे। क्यों नहीं बापू, लेकिन गेट पे कोई आवाज लगा रहा है, तब तक बैठो। ठीक है। देखिए, जब से माँ का स्वर्गवास हो गया है तब से तुमने माँ का प्यार दिया और पिता का भी और भाई का भी, क्योंकि अपनी फैमिली में हम और तुम हो, दो के अलावा तीसरा नहीं है। ये तो बात सच है बापू। और तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु।
वकील बाबू, मैं कॉलेज को जाता हूँ क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम एक मेरा जिगरी दोस्त है जिसका नाम है करण सिंह। आपका जिगरी दोस्त है? जी हाँ बापू, क्योंकि हम और करण सिंह एक ही क्लास में पढ़ते हैं और हम दोनों के बीच में एक भाई से बढ़कर प्यार है। अच्छा? जी हाँ, क्योंकि बचपन से साथ साथ खेले और साथ साथ में सोए और साथ साथ में हर कार्य किया। मेरी इच्छा यही है कि जाओ अपने दोस्त से मुलाकात करूं, उसके बाद कॉलेज को जाऊं। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से आप अगर चलते रहोगे तो हमारा नाम रोशन करोगे। क्यों नहीं बापू, मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, जाओ और शौक से पढ़ाई करो। जी बापू, मैं चलता हूँ, नमस्कार। देखो ये हमारा लड़का, ये बहुत अच्छी पढ़ाई करता है और मैं इसीलिए तो खुश रहता हूँ और ईश्वर से मैं कृपा करूंगा कि इसी प्रकार से हमें खुशहाल रखे। नौकर, ये सबकी सब, अरे यार तुम कहाँ रहते हो? हम सोचे ग्यारह लाख अंदर छुड़ाई दे हमको। अच्छा, वो हमेली में जाला लगा हुआ था, आवाज दे तो भाग पर हुआ तेरा। अच्छा, फिर तो तुम काम पे लगे थे खैर। हाँ ये तो बात सही है, और हमारा बेटा जो था वो स्कूल के लिए जा चुका है। हाँ ठीक है मालिक, स्कूल गए हैं, स्कूल पर गए। हाँ वो तो सही बात है मालिक, कहिए कितनी दूर निकल गए हूँ? अरे वो कम से कम एक किलोमीटर तो निकल ही गया होगा। चलो आवाज दे उनका, तब फिर बाद में बात बताई। बात ठीक है, बाद में बताना। फटगट कहाँ है रे नौकरवा? नौकर क्या हुआ? नौकर क्या हुआ है? हर समय बदतमीजी है। चलो आज हमारे साथ चलो, तो चलते हैं आज रियासत में, कुछ टहलेंगे, कुछ साल चाल देखेंगे क्या चल रहा है। कोई रैयत में खराबा तो नहीं हो रहा है? कहीं दही वाले हमारी संगत देखो फर्त नहीं। क्यों? हम भानु सिंह के संग गए रहन, फिर क्या हुआ? मार करने वाले का हौक दी। वो बात भूल जाओ, आज हम और तुम जरूर चलेंगे टहलने। आओ चलते हैं। चलो ठीक है। बापू आज मैं कॉलेज को नहीं गया क्योंकि मैं
अपने दोस्त करण के वहां गया तो आज घर में करण नहीं दिखाई पड़ा, इसलिए रास्ते से मैं वापस आ गया हूँ। अच्छा, आपका दोस्त नहीं मिला तो तुम वापस आ गए? जी हाँ बापू, जब तक मेरा दोस्त मुझसे मुलाकात नहीं करता है और जब तक हम साथ साथ नहीं होते हैं तो कॉलेज को नहीं जाते हैं। अरे बापू, कोई आवाज लगा रहा है, ये कौन है? क्या बात है? अर्जुन सिंह का कौन सा मकान है? यही तो है। आपका नाम अर्जुन सिंह? ये आपके नाम का पत्र है, मैं चलता हूँ। वाह, ये दोस्त क्या लाया है बाबू? बताइए, हमारी मेहनत और आपका आशीर्वाद सफल हो गया। क्या? जी हाँ बाबू, सफल हो गया। जी, आज बहुत बड़ी खुशी की बात है। अरे तो बताओ, मैं खुशी के लिए नाच रहा, झूम रहा। यानी कि बाप फौजी तो बेटा उससे भी बढ़कर हुआ। अच्छा, सुनाओ बाबू। बताओ तो, पुलिस ट्रेनिंग के लिए फॉर्म भरा था, आज सरकार से मुझे बुलाया गया है कि आकर ट्रेनिंग करो। वाह बाबू, तो पुलिस इंस्पेक्टर का जो बड़ा फॉर्म था, पुलिस इंस्पेक्टर जो बड़ा फॉर्म था, ट्रेनिंग के वास्ते है बुलाया गया। ज्यादा हूँ पिता,